हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे एक बंगाली रेसिपी जो है मूढ़ी घंटो। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो रोहू फिश का माथे का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसमें मैंने लिया है एक चम्मच हल्दी, ये एक छोटी चम्मच है, और एक छोटी चम्मच के करीब नमक, और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। देखिए, इसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 4 प्याज को इस तरह से पतले पतले बारीक काट लिए हैं और 2 आलू को इस तरह से क्यूब में काटा है। मसालों में मैंने लिया है एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 16 से 17 कलियाँ लहसुन की, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा सा टुकड़ा तेजपत्ता और ये 6 से 7 सूखी मिर्च। इन सभी मसालों को हम मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई को रखा है, उसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कोशिश करें कि इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में बनाएं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें मछली के माथे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मैंने जितना हो सके उतना इसमें मछली के माथे को डाल दिया है, ऐसे पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मछली खाना पसंद है तो आपको इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मछली का माथा फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। और बाकी बचे हुए मछली के हेड को भी हम इसी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बंगाली क्यूजीन की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी है, इसे एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करें। देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। ऐसे बची हुई तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को अच्छा गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे हम। सभी आलू को मैंने इसमें डाल दिया है और इसी साथ साथ मैं हल्दी भी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू के हिसाब से मैंने यहाँ नमक लिया है। ये 2 आलू हैं, उसे इस तरफ से मैंने क्यूब में काटा है। चलिए, आलू फ्राई हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तेल में मैंने लिया है 2 से 3 तेजपत्ता, 4 सूखी मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा। इसे चटकने देंगे, उसके बाद कटे हुए प्याज को इसमें हम मिला लेंगे और अच्छा गुलाबी होने तक भूनेंगे। देखिए, मैंने प्याज को भी मिला लिया है, चलिए इसे भून लेते हैं। मैंने रोहू फिश का माथा लिया है, आप किसी भी बड़ी मछली का माथा ले सकते हैं। देखिए, प्याज हल्की हल्की गुलाबी हो रही है, इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के डाल दिया है। प्याज अच्छा गुलाबी हो गया है, जो मसाले मैंने पीस के रखे थे उसे भी हम इसी में इसमें मिला लेंगे। मसालों को इसमें मैंने मिला लिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें दिया है 1 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें लिया है नमक 1 से 1.5 चम्मच के करीब। नमक आप हिसाब से डालें, क्योंकि मछली को जब हम लोगों ने मैरिनेट किया था तभी हमने नमक डाला था। आलू में भी मैंने नमक डाला है और इस समय भी मैं नमक डाल रही हूँ मसाले के हिसाब से।
मसाले और चावल के हिसाब से, तो आप नमक हिसाब से डालें। चावल को मैंने धो के रख लिया था, इसका पानी झड़ गया है, और इसे, ये एक गिलास चावल है, इसे मैंने धो के पहले से रखा हुआ था, इसे भी हम मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इस समय गैस की स्टीम लो से मीडियम के बीच में है और 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये हल्का हल्का गुलाबी ना होने लगे। देखिए ये बहुत अच्छे से भून रही है और कुछ देर के बाद हम इसे पानी मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से लाल हो गई है, गुलाबी हो गई है। मछली के सर को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया था। चलिए चावल हो चुके हैं, इसमें हम पानी को भी मिला लेते हैं। एक गिलास चावल के मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। आप जिस भी कप या गिलास से चावल लें उसी गिलास से नाप के पानी डालें। एक कप चावल के लिए मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। साथ ही साथ हम इसमें मछली के माथे को और आलू को भी मिला लेंगे। देखिए मैंने इसमें मिला लिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं और आलू को भी हम इसमें मिला लेंगे। इसे मिला के हम ढक देंगे तब तक जब तक कि चावल अच्छी तरह से पक न जाए। तो आइए इसे कवर कर देते हैं और इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। आइए चेक करते हैं, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और चावल भी अभी पके हुए नहीं हैं। इसे एक बार देख के फिर से हम इसे ढक देंगे। इस समय चावल 60-70% पक गए हैं। इसे मिक्स करके फिर एक बार इसे हम ढक देंगे। चावल हो गई है, इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है और 1/2 छोटी चम्मच के करीब चीनी। घी और चीनी इसमें बहुत ज़रूरी है, आप इसमें ज़रूर मिलाएं, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। इस समय मैंने गैस की स्टीम को बंद कर दिया है। चलिए इसे मिक्स करके देखते हैं। देखिए इससे ज़्यादा इसे हम नहीं सुखाएंगे, ये थोड़ी ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगी। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैंने बनाया था अंडे की सब्ज़ी, इसकी रेसिपी आपको मैंने पिछली वीडियो में दी थी, इसीलिए इसमें मैंने इसको नहीं शूट किया है। यह है कोहरे के पत्ते, यहाँ इसे मीठा कुमड़ा भी बोलते हैं। ये आसानी से यहाँ मार्केट में मिल जाता है, अपने तरफ तो ये मार्केट में नहीं मिलता। देखिए कुछ इस तरह से है, इसके पत्ते हम अलग कर लेंगे और डंडियों को अलग कर लेंगे। आइए इसे साफ कर लेते हैं। देखिए सारे पत्तों को मैंने इस तरह से अलग कर लिया है और डंडियों को, जो मुलायम डंडियाँ उसे इस तरह से मैंने काट ली है। इतने बड़े टुकड़े किए हैं मैंने इसके, ये मुलायम है, इसे मैंने नहीं छीला है, और जो थोड़े जिस तरह से रेसे निकलेंगे उसे मैं साफ कर लूँगी। देखिए इसे छीलने से इस तरह से पतले पतले रेसे जैसे निकलते हैं, उसे आप निकाल लें। आप बहुत कड़े डंडियों का यूज़ ना करें, वो सब्ज़ी में पकेगी नहीं। देखिए इस तरह से इसे साफ कर लेंगे। मैंने सारे डंडियों को साफ कर लिया है और सारे पत्ते को हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप कोशिश करें कि आप जितना बारीक काट सकें। देखिए मैंने सारे पत्ते को काट लिया और डंडियों को भी मैंने इस तरह से साफ करके पानी से अच्छे से धो करके रख लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, हल्का सा मेथी दाना और 6 से 7 लहसुन की कलियों को काट के मैंने हल्का गुलाबी कर लिया है। ये 4 से 5 हरी मिर्च है, इसे भी हम भून लेंगे।
ये कोहड़े के पत्ते धो के मैंने साफ कर लिए थे और इसे भी मिला लेंगे। साथ ही मैंने लिया है इसके हिसाब से नमक, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें और इसे एकदम लो स्टीम पे हीट पे ढक देंगे। ढकने के बाद इसने इतना पानी छोड़ा है, इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए बिल्कुल तैयार है, चलिए थाली लगा लेते हैं। मैंने चावल निकाला है और ये मूढ़ी घंटो और ये अंडे की सब्जी। कितनी अच्छी दिख रही है ना, और ये कोहड़े के पत्ते की सब्जी, या आप इसे मीठा कुमड़ा बोले या पम्पकिन के पत्ते, जो भी आप समझे, और ये नींबू, ये प्याज। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं। मेरे चैनल को दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।